दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के 35x42 35x42 फीट में ये पूरा डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है। बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन, बेहतरीन सा डिज़ाइन आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कार पार्किंग, ग्रीन एरिया वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। और यहाँ पर मैंने इसका ग्राउंड फ्लोर भी क्रिएट किया है। इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से, तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूँ पवन झाकड़, और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं। जो आज मैंने मॉडल क्रिएट किया है, बहुत ही बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन वगैरह, कार पार्किंग वगैरह सारा डिटेल आपको देखने को मिलेगा 35x42 फीट में, जहां पर आपको ग्रीन एरिया, कार पार्किंग एरिया वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको बेस्ट मिलता है। मैं जूम करके आपको इसे दिखाता हूँ। जैसे आप जूम करते हैं तो ये इसका रियलिस्टिक व्यू आपको देखने को मिलता है, जो मॉडल मैंने क्रिएट किया है। इसकी रेलिंग वगैरह, हालांकि ये देखिएगा फ्रंट एलिवेशन की बात करें वो, तो ये पूरा इसका रियलिस्टिक व्यू हो जाता है। अब इसकी हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। दोस्तों ये देखिएगा कि ये कोई डिजाइनिंग के पर्पज से मैं पट्टियाँ क्रिएट की हैं। ये मेन डोर है इसका, और ये आपका एक विंडो है। ये पिलर्स यहाँ पर दिए हैं, जिसमें देखिए कुछ ब्लैक कलर का है, कुछ वाइट कलर का है, और इसका ये रूफ है उसका। अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये यहाँ पर दोस्तों दो विंडो दिए हैं। ये डिजाइनिंग के पर्पज से छज्जा टाइप का क्रिएट किया है, ये ब्लैक कलर का क्रिएट किया है। अब हम बात करते हैं कार पार्किंग एरिया इधर आपका है, तो ये पूरा कार पार्किंग एरिया और इसका ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से कुछ चीज़ें क्रिएट की हैं। और ये एक विंडो, और ये एक आपका डोर, और ये डोर और विंडो। अब हम जब ऊपर से इसको देखते हैं, तो ये वाला पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्किंग एरिया है। ये आपका एक बड़ा सा बेडरूम है, जो कि गेस्ट रूम है जिसे बोल सकते हैं। इधर भी इस कॉर्नर पर बेडरूम है, जिसमें मैंने दो विंडो दिया था। मेन एंट्री दोस्तों इस गेट से है। इस गेट से आप अंदर जाएंगे और आप आ जाते हैं डाइनिंग हॉल में। जैसे आप डाइनिंग हॉल में आते हैं, ये बड़ा सा डाइनिंग हॉल, वहीं से स्टेयर से आपकी अप गई है। ये आपका एरिया, ये किचन का एरिया यहाँ पर क्रिएट किया, जिसमें विंडो भी फ्रंट से मैंने दिया था, जिससे आपका वेंटिलेशन होता रहे। और ये आपका एक अटैच लेटेंट बाथ मैंने क्रिएट किया है। ये दोनों बेडरूम से कनेक्टेड है, इस वाले बेडरूम से भी, इस बेडरूम से भी, देखिएगा। इसलिए मैंने इस वाले बेडरूम से अंदर से डोर दिया है, इससे भी अंदर से डोर दिया है। ये लेटेंट बाथ दोनों बेडरूम से आपका कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद हम बात करें इस लिविंग हॉल से, आपका इस कॉर्नर पर एक बेडरूम क्रिएट किया है, और एक कॉमन लेटेंट बाथ यहाँ पर क्रिएट किया है। ये पूरा हॉल ही रहेगा। तो ये आपका एक बेडरूम, जिसमें जाने के लिए आपका हॉल से ही एंट्री होना है। और ये अगर इस वाले बेडरूम में जाने के लिए आपको हॉल से एंट्री करनी पड़ेगी। और ये वाला जो बेडरूम है फ्रंट में, इसको मैंने आप या तो इस तरफ से फ्रंट से जा सकते हैं, या साइड से जहाँ कार पार्किंग वाला एरिया है, जो गैलरी टाइप, यहाँ से जा सकते हैं। इसकी अंदर से एंट्री मैंने नहीं दी है। तो यहाँ पर तीन बेडरूम आपको मिलते हैं, बड़ा सा किचन, लेटेंट बाथ एक अटैच्ड, और एक सेपरेट बड़ा सा हॉल, और आपका एक मिलता है स्टेयर, साथ साथ कार पार्किंग और ग्रीन एरिया। अब हम बात करते हैं ये जो आप जो प्लर्स देख रहे हैं, यहाँ से लेकर पीछे तक आपका 40x42 फीट है। फ्रंट में ये एक्स्ट्रा कुछ है, मैं बता दूँ, लगभग 5 फीट एक्स्ट्रा है। ये आप यहाँ से वहाँ तक 42 फीट है, फ्रंट का ये 35 फीट है। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री क्रिएट कर दिया है। डिजाइनिंग के पर्पज़ से ही कुछ चीज़ें क्रिएट कर दी। देखिए इसका टेक्सचर वगैरह मैंने चेंज कर दिया ब्लैक का। तो बहुत ही बेहतरीन सा प्लान 35x42 फीट में बनकर रेडी हो जाता है। ये मॉडल आपको जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताएं। और दोस्तों मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है, जिसके तहत आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपसे बात करके मैं आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके हाउस प्लान करता हूँ वहाँ पर। लेकिन वो हमारी पेड सर्विस है, 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सअप पर। अगर इस घर की कॉस्ट की बात करें, अगर आपसे बता जानना चाहते हैं कि इसमें कॉस्ट कितना लगेगा बनवाने में, तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्मॉल हाउस प्लान सर्च करिएगा, एप्लीकेशन स्मॉल हाउस प्लान का मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पूरा कॉस्ट और मटेरियल कितना लगने वाला है इस मकान में, पूरा फाइंड आउट करके वो एप्लीकेशन दे देता है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप उसके थ्रू भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आज का प्लान था 35x42 फीट में, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक से ज़रूर करें। कोई भी डाउट है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।